पहले देखते आज की खास खबर। महाराष्ट्र, प्रकाश आंबेडकर और ओबीसी का गठबंधन, कांग्रेस को नुकसान। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान पर शनिवार को प्रकाश आंबेडकर और असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी सभा को संबोधित किया। ये दोनों नेता मिलकर अब तक पूरे महाराष्ट्र में 7 से ज्यादा सभा कर चुके हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों ही नेता महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है। ये गठबंधन महाराष्ट्र में अहम रोल प्ले कर सकता है। प्रकाश आंबेडकर की राज्य के दलितों के बीच अच्छी खासी पकड़ है। अगर वहाँ उनका जादू चलता है तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। एक तरह से ये गठबंधन कांग्रेस का ही वोट काटेगा। मुस्लिम और दलित वोटों का विभाजन होगा तो बीजेपी को फायदा देगा। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में वंचित बहुजन आघाड़ी की सभा को संबोधित करते हुए प्रकाश आंबेडकर ने कहा, कांग्रेस के साथ सीटों का नहीं बल्कि विचारधारा का मामला है। सॉफ्ट हिंदुत्व की वकालत करने वाले राहुल की कांग्रेस मनुवाद की तरफ बढ़ रही है। अगर कांग्रेस आरएसएस को संविधान के दायरे में लाने के लिए तैयार होती है तो हम उनके साथ आने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, आंबेडकर ने इस बात के लिए संकेत देते हुए कहा कि कांग्रेस से गठबंधन के दरवाजे अभी उन्होंने बंद नहीं किए हैं। अंतिम समय तक कांग्रेस से बात करने के लिए वो तैयार है। मुसलमानों की बर्बादी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, ओवैसी वही इस सभा में जनता को संबोधित करते हुए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और मुसलमानों की बर्बादी का ठीकरा उन्हीं पर फोड़ा। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट कचरे की पेटी में डाल दी गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और बीजेपी के लोग हमें वोट कटवा बताएंगे, लेकिन आप लोग उनके बहकावे में मत आना। आज मुसलमानों के सामने एक अच्छा विकल्प है, वे वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ दें। पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता करना छोड़ दे। इसी मुंबई में रहने वाले जिन्ना की अपील ठुकरा कर, हमने हिंदुस्तान को अपना देश माना था, यह हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारी फिक्र करना छोड़ दे। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल होने वाला 200 किलो RDX कैसे आया, इसका जवाब उन्हें देना होगा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के 4.5 साल की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ हुआ है। RPI अध्यक्ष रामदास आठवले का नाम लिए बगैर ओवैसी ने उन्हें मस्खरा बताते हुए कहा कि अब एक सीट न मिलने पर उन्हें अपनी हैसियत समझ में आ रही है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।